ईसा वासोपनिषद। ईसा वासोपनिषद का सारांश कैसे लिखें, इसमें क्या बताया गया है, इसके जो श्लोक हैं उसका अर्थ क्या है, उसकी क्या व्याख्या है, वही हम जानेंगे इसमें। जैसा कि आप ये पहला श्लोक देख रहे होंगे, इसका अर्थ यह है कि इस संपूर्ण संसार में जो कुछ स्थावर जगमादि दिखाई दे रहा है, यह सब परम ब्रह्मा परमेश्वर में व्याप्त है। इसलिए त्याग वृत्ति से इसका सेवन करो तथा किसी से भी धन की आकांक्षा मत करो। सही बताया गया यार कि इसमें जो हम अपने आसपास जो सारी चीज़ें देख रहे हैं वो सब परम ब्रह्मा परमेश्वर का है, उसे त्याग वृत्ति से इसका सेवन किया यार कि ये हमारा कुछ नहीं है, बस अपने अनुसार कि ये हम इससे क्या ले सकते हैं वो चीज़ें देखिए, किसी से धन की आकांक्षा नहीं की जा सकती। और आप ये दूसरा श्लोक देख सकते हैं, दूसरा श्लोक इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि इस संसार में शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए 100 वर्ष पर्यंत जीने की इच्छा करें। इस प्रकार से तुम देहाभिमानी के लिए अन्य कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे तुम कर्म से लिप्त हो। सही बोला गया यार, क्या हम ऐसा कार्य करें जीवन में जो 100 वर्ष पर्यंत तक जीवित रहे, जो हमें लाभ दे, किसी का नुकसान ना हो। और जिसमें ये बोला गया कि जिसके पास देह है यानी कि शरीर है, वो कोई भी कार्य कर रहा है, जैसे देख रहा है, सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी कार्य में लिप्त है। अब ये तीसरा श्लोक है, इसका जो अर्थ है वह यह है कि वे असुर संबंधी लोक आत्म दर्शन अज्ञानांधकार से के आवरण से आच्छादित है तथा आत्महनन करने वाले मनुष्य मृत्यु के पश्चात उन्हीं लोगों से प्राप्त होते हैं। सही बोला गया कि यार जो गलत काम करते हैं, जो असुर लोग होते हैं, बेकार लोग होते हैं, वो ना मृत्यु के पश्चात उन्हीं लोगों में जाते हैं जहाँ पे उन लोग का आत्मा का हनन, जहाँ अंधकार रहता है, उन्हीं लोगों में जाते हैं। अब से जो श्लोक है आएंगे चौथे श्लोक से, उसमें आत्मा के बारे में बताया गया है। आत्मा ये श्लोक देख रहे होंगे, इसका यह अर्थ है कि वह आत्मतत्व अपने स्वरूप के कभी भी विचलित न होने वाला है एवं मन से भी अधिक द्रुत गति वाला है। उस आत्मतत्व की सत्ता इंद्रियों से भी परे है, इसलिए इन्हें इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अन्य गतिशील पदार्थों का स्थिर होने पर भी अतिक्रमण कर जाता है। उस आत्मतत्व का अस्तित्व होने पर ही वायु समस्त जीवों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाजन क्या करता है। सही बोला गया है कि जो आत्मतत्व होते हैं, जो उसका स्वरूप जो होता है, आत्मा का स्वरूप जो होता है, वो आत्मा विचलित नहीं होती। मन तो विचलित हो जाता है, चंचल होता है, वो चला जाता है, पर वह आत्मा स्थिर रहती है। ऐसे आत्मा को इंद्रियों के द्वारा बस में नहीं किया जा सकता, जबकि मन को इंद्रियों के द्वारा बस में किया जा सकता है, वह स्थिर रहता है। आत्मा क्या होती है, स्थिर रहता है। आप ये पाँचवा श्लोक देख रहे होंगे, पाँचवा श्लोक है, इसका अर्थ यह है कि वह आत्मा गतिशील भी है और नहीं भी, वह अत्यंत दूर भी है एवं अत्यंत समीप भी। वह अत्यंत आत्मतत्व सबके अंदर भी विद्यमान है एवं सबके बाहर भी। कहने का मतलब यही हुआ यार, बहुत अच्छी बात बताई है कि आत्मा जो है वह सबके अंदर है, बाहर भी है, सबके पास भी है, सबके दूर भी है, क्योंकि आत्मतत्व जो जानता है आत्मा को, वह सभी में स्थित है। ये छठा श्लोक देख सकते हैं, इसका अर्थ यह है कि जो ज्ञानवान पुरुष समस्त भूतों को आत्म तत्व में अवलोकन करता है तथा समस्त भूतों में आत्मा का दर्शन करता है, वह किसी से घृणा नहीं करता। सही बोला गया कि जो व्यक्ति आत्मा को जानता है, आत्मा के स्वरूप उसके अनुसार कार्य करता है, वह किसी से घृणा नहीं करता है। ये सातवां श्लोक देख सकते हैं, इसका अर्थ यह है कि जब आत्मज्ञानी पुरुष समस्त जीवों को आत्मा स्वरूप समझने लग जाता है, तब उस समय एकत्व का दर्शन करने वाले उस ज्ञानी के लिए क्या तो शोक हो सकता है और क्या मोह हो सकता है। सही बात कही गई यार कि यदि आप आत्मा को जान जाएंगे, अपने अंदर की कला जो है वो जान जाएंगे क्या है, तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है। इसमें बताया गया है कि शोक यानी कि यार लोग दुख करते रहते, अब पता चल जाएगा कि यार किस जगह हमें दुख करना है। देखो मोह बहुत अच्छी चीज़ नहीं है यार, प्यार करो पर मोह माया में नहीं। ये उसके बाद हम आते हैं आठवें श्लोक पे, आठवें श्लोक है जो
उसका मतलब यह है, अर्थ यह है कि वह आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, खुद शरीर रहित, अक्षत स्नायु रहित, निर्मल पाप रहित, सर्वदृष्टा सर्वज्ञ सर्वोत्कृष्ट तथा स्वयंभू है। उस आत्मा ने ही नित्य सिद्धि नाम के प्रजातियों के लिए कर्तव्य पदार्थों का विभाजन किया है। सही बोला गया यार कि आत्मा जो ना वो शुद्ध है, शरीर मतलब वो से मतलब ज़्यादा हम उसका नुकसान भी नहीं कर सकते। एक तो वो स्थिर रहती है, वो सभी के अंदर रहती है, वो शुद्ध है, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो श्लोक है उसमें विद्या अविद्या के बारे में बताए गए हैं। अब हम पहुंच गए हैं नवा श्लोक। नवें श्लोक का जो अर्थ है वो है कि जो उपासक अविद्या की उपासना करते हैं वे घन अंधकार में प्रवेश करते हैं, तथा जो विद्या में ही अनुरक्त हैं वे उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। सही बात बताया, क्योंकि जो अविद्या की उपासना करते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है वो तो अंधकार में जा ही रहा है, और जो विद्या रहते हुए भी मूर्खता की बात करते हैं तो भाई उसको तो वो तो महाअंधकार में जा रहा है। यही बताया गया इस श्लोक में। हम देख सकते हैं ये 10वां श्लोक है। 10वें श्लोक में भी विद्या के बारे में बताया गया है कि विद्या से भिन्न ही फल होता है तथा अविद्या कर्म से भिन्न फल होता है, ऐसा हमने साधु जनों से सुना है जिन्होंने सारे हमारे लिए उस तत्व की व्याख्या की। से बोला गया है कि यार जो ज्ञान होता है ना उससे फल मिलता है, बहुत अच्छा फल मिलता है, प्रयत्न करते रहना चाहिए। और अविद्या से भी फल मिलता है, और क्या फल मिलेगा आप जानते हैं, इसलिए विद्या पर भरोसा करना चाहिए। आप ये 11वां श्लोक देख सकते हैं। हम 11वें श्लोक पे पहुँच गए। इसका अर्थ है कि जो प्राणी विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानता है वह विद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को प्राप्त करता। सही बात क्या है कि यार जो व्यक्ति दोनों को जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके अविद्या मतलब जो मूर्ख व्यक्ति है जिसे विद्या का ज्ञान नहीं तो वह मृत्यु को ही प्राप्त कर सकता है, परंतु वह विद्या के सहारे क्या कर सकता है, अमृत को प्राप्त कर सकता है, यानी कि समझ बूझ के अपने कार्य तक अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है। अब ये 12वें श्लोक से कुछ श्लोक तक संभूति और असंभूत के बारे में बताया गया है। ये जो 12वें श्लोक का अर्थ है वो है कि जो प्राणी असंभूत की उपासना में संलग्न रहते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, तथा जो संभूत की उपासना में रत रहते हैं वे मानो उनसे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जाहिर सी बात है संभूति और संबंधित दोनों हमें भ्रम में डालते हैं, और जो असंभूत की उपासना करता है भाई वो तो अंधकार में जा ही रहा है, जो संभूत की उपासना करे मानो उससे भी अधिक अंधकार में जा रहा है। तो आप इन सब चीज़ों से बच के रहिए। अब ये देखिए 13वां श्लोक है। 13वें श्लोक का अर्थ है कि कार्य ब्रह्मा की उपासना से भिन्न ही फल होता है, तथा अव्याकृत प्रकृति की उपासना से भिन्न फल प्रतिपादित किया गया है, ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे लिए इस तत्व की व्याख्या की। सही बात की है कि जो ब्रह्मा की उपासना करते हैं वो अच्छे कर्म के फल करते हैं। ब्रह्मा की उपासना वही करेंगे भाई जो उनसे जानते होंगे, अच्छी चीज़ें जानते होंगे, वही फल की प्राप्ति का इंतजार करते हैं, वरना काम करके तो सब निकल जाते हैं। इसीलिए आप बुद्धिमानों से जो कहते हैं हमारे टीचर गुरु उसे मानो और अपने अच्छे कार्य तक अपने गोल तक पहुँचो। विद्या के 4 श्लोक और असंभूत के 4 श्लोक बिल्कुल एक ही जैसे हैं, समझिए जो उनका कार्य होता है उन्हीं का कार्य होता है। जैसे आप 14वें श्लोक ये देख सकते हैं, इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य असंभूत तथा असंभूत इन दोनों को एक साथ जानता है वह मनुष्य संभूत की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूत की उपासना द्वारा अमृत को प्राप्त करता है। जाहिर सी बात है भाई, सिंपल सा यार, ये दोनों भ्रम में डालते हैं। आप ये करते हो तो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और वो करते हो तो भाई अमृत को प्राप्त करते हैं। जाहिर सी बात है थोड़ा अपना प्रयत्न करना चाहिए व्यक्ति को, क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है उसे पता लगाना चाहिए। आप ये 15वां श्लोक देख सकते हैं। इसमें भी भगवान के आपसे जो है इनके भगवान के बारे में कहा गया, आत्मा परमात्मा के बारे में, कि हे भूषण आदित्य मंडलस्थ ब्रह्मा का मुख्य ज्योतिर्मय पात्र से आच्छादित है, सत्य धर्म वाले मेरे लिए अलोकनार्थ उस आच्छादित द्वार को खोल दीजिए। सब यही मतलब कि लोग ये कह रहे हैं कि हे भगवान हम अच्छे कार्य की तरह प्रयत्न हो रहे हैं, प्रयत्नशील हो रहे हैं, अच्छे कार्य करेंगे, आप मेरे लिए जो भी अच्छे कार्य हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आ रहे हैं उसके द्वार हमारे लिए खोल दीजिए। और ये आप देख सकते हैं 16वां श्लोक जो है, 16वां श्लोक में भी यही बताया गया है कि हे जगत पोषक भगवान भास्कर, हे एकाकी गमन करता, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति नंदन, आप अपनी किरणों को हटा ले
तेज रूपी ज्योति पुंज को समेट लें। आपका जो कल्याणकारी रूप है मैं उसे आपके कृपा प्रसाद से देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडल से स्थित पुरुष है वह मैं ही हूँ। सही बात कहा गया कि हे भास्कर, वो मतलब बोल रहा है भगवान से कि हे भगवान, आप जो एक किरण जो है वो उसे आप हटा लीजिए। आपका जो कल्याणकारी रूप है मैं उसे में कृपा प्रदान से देखना चाहता हूँ। उसे बोला कि यार जो आप चीज़ें कर रहे हैं ना, मुझे साक्षात देख चाहता हूँ सीधे किरण के माध्यम से नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप जो कर रहे हैं हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा कार्य है। आप ये 17वां श्लोक देख सकते हैं। 17वें श्लोक में बताया गया है कि इस श्लोक में का अर्थ है कि मेरे प्राणवायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो, इसके पश्चात यह शरीर अग्नि में जाकर भस्म हो जाए। ये संकल्पात्मक मन अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए कार्यों को स्मरण कर, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए कार्यों को तू स्मरण कर। इसमें व्यक्ति कहना चाहता है कि हे भगवान, मैं जो अच्छे कार्य कर चुका हूँ, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ एक तरह से, जब मैं मरूँ तो मेरे शरीर को जला कर भस्म कर दीजिए और मेरा जो मन है वो आत्मा को प्राप्त हो जाए, भगवान तक पहुँच जाए, मेरी आत्मा जो है भगवान तक पहुँच जाए। हे मेरे मन शरीर जो भी है वो स्मरण कर। आप यह 18वां श्लोक देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि हे अग्निदेव, तुम हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चलो। हे देव, तुम समस्त कर्मों को जानने वाले हो, अतः हमारे कुटिल पाखंडयुक्त पापों को नष्ट कर दो। हम तुम्हारे लिए अनेक बार नमस्कार करते हैं। कहना चाह रहा है कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे अच्छे गुण में बदल कर हमें और अच्छा बनाओ, हमें सोचने के लिए तत्पर करो, हमारे जो अंदर के पाप है, पाखंड है, घमंड, उसे दूर करो। इसके लिए हम तुम्हें बार बार नमस्कार करते हैं।